हेलो गाइस, सो ये हैं एडवेंट 2 अप्रैल के पासवर्ड रिक्वेस्ट जो कि रात को 9 बजे के बाद आए थे। सबसे पहला केस है हमारे पास 16 जुलाई 2020 को फाइल लॉज की और AIP आया सितंबर में, बायोमेट्रिक हुए नवंबर में, और 12 फरवरी को आया रिफ्यूज़ल विदाउट अटेंडिंग एनी ऑनलाइन क्लासेस। फिर फाइल को रीलॉज किया 27 मार्च को विद स्ट्रॉन्ग SOP, और कोर्स चेंज किया सेम कॉलेज में ही, लेकिन कॉलेज सेम था। मेडिकल अपडेट, बायो अपडेट, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया डायरेक्टली आया 22 अप्रैल को एट 7:22 PM। कॉलेज है इनका लॉयलिस्ट ब्रूनेल कैंपस में। इनटेक कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है सैयद अहमद मोहियुद्दीन, SDS कैटेगरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है कॉर्नरस्टोन कॉलेज में। मेडिकल करवाया 8 मार्च को, फाइल लॉज की 24 मार्च, बायोमेट्रिक हुए 30 मार्च, BVL एंड PPR आया 22 मार्च एट 1:30 PM, सॉरी एट 1:30 AM। इनका क्लैरिफिकेशन भी आ गया था। एंड देन इज हमारे पास GC की का स्क्रीन शॉट है। 30 मार्च को फाइल लॉज की, 31 मार्च को आया BCL, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 22 अप्रैल को। और ये है उसके बाद इनकी डिटेल। फाइल लॉज की थी 30 मार्च को, मेडिकल हुआ था 8 मार्च को, मेडिकल अपडेट हुआ 13 मार्च को, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मिली थी इन्हें 1 अप्रैल, बायोमेट्रिक अपडेट भी सेम डे हो गई, BVL आया 22 अप्रैल और PPR भी सेम डे। कॉलेज है इनका सैनिका न्यू हन कैंपस, September 2021। इनटेक प्रोग्राम है CNC प्रोग्रामिंग डिप्लोमा, और बी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल, और 2018 में पास आउट किया था 8.88 CGPA के साथ, और 3 साल का इनका वर्क एक्सपीरियंस है बैंकिंग सेक्टर में, ऑल्सो ओवरऑल 7.5 है। नेक्स्ट इज 5 अप्रैल को फाइल लॉज की थी और BCL आया 6 को, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 22 अप्रैल को। इसके बाद है हमारे पास 26 मार्च को फाइल लॉज की थी, 27 को आया BCL, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया 22 अप्रैल को। एंड नेक्स्ट वी हैव इज 22 मार्च को फाइल लॉज की, 23 को आया BCL, 22 को ही फिर से आया कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR। ओके, तो ये है, ये जो स्क्रीनशॉट है GCK का, उसकी डिटेल है ये। कार्तिक भूषण, कॉलेज है सैनिका, कोर्स है बिजनेस एनालिटिक्स एंड HRM, बंडल्ड कोर्स है, इकट्ठा होगा। LOA इन्हें आया था एंड ऑफ जनवरी में, फी पे की थी 19 फरवरी, मेडिकल हुआ 22 फरवरी, फाइल लॉज की 22 मार्च, बायोमेट्रिक्स हुए 24 मार्च, मेडिकल अपडेट किया 20 अप्रैल, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर आया 22 अप्रैल एट 11:02 PM, और उसके थोड़ी देर बाद ही आ गया PPR। नेक्स्ट है हमारे पास 22 मार्च को फाइल लॉज की, बायोमेट्रिक्स हुए 25 मार्च, रिव्यू शुरू हुआ 20 अप्रैल, और इन्हें बहुत बुरा लगा कि मेडिकल अपडेट नहीं हुआ, मेडिकल हो गया था अपडेट 22 अप्रैल को ही, BVL आया 22 को, PPR भी आया 22 को। सो प्रो टिप इनकी ये है कि बस पॉजिटिव रहो। इनका नाम है करण, और उसके बाद है हमारे पास रीअप्लाइड केस था 31 मार्च का, मेडिकल अपडेट हुआ 19 अप्रैल, रिव्यू BVL PPR केम ऑन 22 अप्रैल। ओके, ये है इनका सबूत स्क्रीनशॉट, 31 मार्च को फाइल लॉज की, और उसके बाद रीअप्लाइड केस था इसलिए BCL नहीं आया, कॉरस्पॉन्डेंस लेटर और PPR आया डायरेक्टली 22 अप्रैल को। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास 22 फरवरी को फाइल लॉज की, बायोमेट्रिक अपडेट हुए 4 मार्च को, मेडिकल अपडेट हुआ 24 मार्च को, PPR आया 22 अप्रैल एट 10:15 PM, एप्लीकेशन नंबर इनका S304439****। नेक्स्ट है नॉन SDS, फाइल लॉज की 11 मार्च, बायोमेट्रिक हुए अपडेट 18 मार्च को, मेडिकल अपडेट हुआ 22 अप्रैल और PPR आया 22 अप्रैल एट 11:27 PM। नेक्स्ट है इनका ये वाला केस, तो मैं पहले बोल चुका हूँ। ओके, सो ये थे सारे के सारे केसेस जो 22 अप्रैल को आए हैं 9 बजे के बाद। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, और जो मेरी दूसरी वीडियोस हैं प्लीज़ उन्हें भी देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।